Hey everyone, welcome back to the part number 18. और आज के इस पार्ट के अंदर कुछ भैया लोडर एनिमेशन कुछ रह गई थी और कौन सी एनिमेशन थी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको इस वीडियो के अंदर क्या मिलेगा, इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि इसके अंदर कुछ दो तीन लोडिंग एनिमेशन रह गई थी उसको बनाना सीखेंगे और दूसरी बात करेंगे रिस्पॉन्सिव की कि इस वेबसाइट को किस तरह से रिस्पॉन्सिव किया जाए। रिस्पॉन्सिव करूँगा नहीं अभी इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर बेसिक काम ये होगा कि हमने बनाना है इसके अंदर जो लोडिंग एनिमेशन है ना वो बनानी है। अभी आप सोचोगे भैया कौन सी लोडिंग एनिमेशन अब बताई गई है इस वेबसाइट की, तो मैं आपको दिखा दूँ जो ओरिजिनल वेबसाइट है ना, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना बटन पर तो देखना होगा क्या कि यहाँ पर एक और स्लाइडर टाइप का कोई एनिमेशन आएगा और वो दूसरे पेज पर चलेगा। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा ना तो देखना होगा क्या, ये मैंने किया क्लिक तो कुछ इस तरह की एनिमेशन हुई और दूसरे पेज में जाके भी ये इस तरह की कुछ चीज़ आई। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाना सीखेंगे। अगर आपको लगा कि ये इजी है तो अभी वीडियो पोस्ट करो और ख़ुद से ट्राई करो, अगर बन गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना तो वीडियो तो आपके सामने है तो देख लेना, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक ये एनिमेशन बननी है और दूसरी चीज़ बननी है कि जब मैं इस लोगो पे क्लिक करूँगा देन एक और सेम पैटर्न की एक एनिमेशन आएगी ये वाली और यहाँ पर ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाना सीखेंगे किस तरह से हम ये चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड में और स्टार्ट करते हैं भैया इसकी कोडिंग। ओके, तो यहाँ पर आ गया हूँ भैया मैं अपने index.html के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले मैं करूँगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है कि हमने एक बनाना है कमेंट ताकि इन फ्यूचर जब हम कोड को देखें तो देखते साथ हमें पता लगे हाँ भाई ये कोड किस लिए और कहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं एक कमेंट बना रहा हूँ जी बटन लोडर नाम का और CSS के अंदर भी सेम कमेंट में यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से लेकर, ठीक है, और यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी बटन लोडर। ऑल राइट, तो फटाफट से आप चलते हैं यहाँ पे, एक मैं क्लास लेता हूँ जी, कौन सी लूँगा, बटन लोडर कुछ ये वाली मैंने क्लास का नाम रखा, एक डीपली उसका क्लास का नेम रख दिया बटन लोडर। अब बटन लोडर करूँगा यानी कि बटन लोडर क्या करेगा, ये दोनों स्लाइड्स को फोल्ड करके रखेगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट आगे क्लास का नाम, ओप्स, ठीक है, और यहाँ पर उसकी विड्थ देता हूँ 100%, हाइट देता हूँ 100 VH, बैकग्राउंड अभी के लिए देखने के लिए फ़िलहाल मैं दे रहा हूँ डार्क CN, आप कुछ भी दे सकते हो, वैसे इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, मैं वैसे देखने के लिए कि कैसा लग रहा है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो कुछ यहाँ पर चीज़ें सेट हैं। अब करूँगा कि यहाँ पर मैं लिखूँगा जी पोजीशन इसकी भैया जो होने वाली है वो है जी फिक्स, क्योंकि ये फिक्स ही रहेगी। अच्छा, ये करते साथ ये कुछ इस तरह से आ जाएगी यानी कि सबसे पीछे चल जाएगी, तो इसको सबसे ऊपर लाने के लिए मैं जी इंडेक्स इसका बढ़ा देता हूँ, 999999 दिया तो कुछ इस तरह से मेरा ये चीज़ आ गई। अब देखो जी, अब हो क्या है यहाँ पे, ये जो बटन लोडर है ये जो अभी आपके सामने मैंने बनाया इसके नीचे जो चीज़ें हैं ना उसके ऊपर माउस का काम यानी क्लिक, अगर कोई बटन है तो अगर मैं बटन में क्लिक करूँगा तो वो बटन में क्लिक होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिव उस पॉइंटर इवेंट को रोक रही होगी, तो मुझे इस डिव के पॉइंटर इवेंट्स को नन करना पड़ेगा ताकि मेरे पिछले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? उसका जो क्लिक इवेंट है पॉइंटर इवेंट्स यानी कि जब मैं उस पर क्लिक करूँ या माउस होवर शोवर करूँ तो वो काम करने चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले हम लिखेंगे पॉइंटर इवेंट्स नन। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारा हो गया जो भैया काम सेट। जब काम सेट हो गया अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं दो स्लाइड्स बनाऊँगा, एक LFT स्लाइड क्लास की बात करो, ठीक है, एक RGT स्लाइड क्लास का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने ये रखा, आपके केस में आपने कुछ और रखा होगा वो आपको पता होगा। तो यहाँ पर मैं LFT स्लाइड को क्लास कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके मैं इसको कहूँगा कि भैया तुम अपने पेरेंट की विड्थ ले लो 50 और हाइट ले लो तुम अपने पेरेंट की 100,
और बैकग्राउंड तुम ले लो अपने पेरेंट का, ये करूँगा तो ये आगे मेरे LFT स्लाइड। अब इसी तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ पर RGT स्लाइड रख लूँगा, कुछ ये वाली RGT स्लाइड ने क्या किया है, वो LFT स्लाइड के ऊपर आ गए। अब मुझे यानी कि जो RGT स्लाइड उसको राइट पे करना है और लेफ्ट वाली स्लाइड को लेफ्ट पे करना है, वो मैं कैसे करूँगा, ऑफ कोर्स पोजीशन एब्सोल्यूट देख रहा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। तो LFT वाली को मैं कहता हूँ लेफ्ट से ज़ीरो कर लो, और राइट वाली को कहता हूँ कि पोजीशन पहले तुम एब्सोल्यूट करो और राइट से तुम हो जाए 0%। तो एक लेफ्ट पे आ गई, एक राइट पे आ गई, सेट है। अब करूँगा क्या, यहाँ पर मुझे जो लेफ्ट वाली साइड है उसको -100% मुझे मूव करना होगा, यानी कि उसकी ओपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चलेगा, चल जाएगा उधर। अब जब चल ये उधर चला जाएगा अपनी लेफ्ट वाली साइड में, और इसी तरह मुझे राइट में भी -100 कर देंगे, तो दोनों स्लाइड इस तरह चलेंगी। अब जब ये चली गई तो अब करूँगा क्या, फटाफट से जाऊँगा जी एस पे, और यानी कि इसके GS फाइल में, उससे भी पहले मैं इसका जो ये कलर है ना ट्रांसपेरेंट, या अभी अभी ऐसे रहना तो कोई मसला नहीं, ठीक है। इसकी मैं जो लोडिंग एनिमेशन है ना वो भी मैं रोक रहा हूँ, और यहाँ पर आने के बाद इस चीज़ को भी मैं रोक रहा हूँ, ताकि मुझे सिर्फ अभी वो नज़र आए जो मैं भी बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले करूँगा क्या, यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ जी gsap.to, ये क्या करेगा, इनिशियल से फाइनल आएगा, यानी कि अभी कहाँ पे हमारी LFT स्लाइड -100, ठीक है। तो उसको मैं -100 से जितनी में भी लानी हो वह मैं लेकर आ सकता हूँ। ओके, अब ये भाई मैंने किया .LFT स्लाइड को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करके कोमा लगाया, और कोमा के बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने उसको बताने के भैया आप इसके साथ करना क्या है। अच्छा, वो कहेगा भैया इसके साथ करना क्या, मैं उसको कहूँगा एक्स से भैया तो मूव करा दो इसको अगर -200%, और ड्यूरेशन वाइज इसको मूव करवाना है तुमने 1 सेकेंड, देन ये क्या करेगा, ये मेरी चीज़ को लेकर आना चाहिए था लेकिन नहीं ला पाया। अब क्यों नहीं ला पाया ये देखो मैं बताता हूँ। अभी ये क्या -100% ऑलरेडी ये अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है, तो मैंने उसको कह दिया कि भैया तुम 200 और चल जाओ, तो वो आना तो नहीं ना उसने वापस, तो ये माइनस मुझे हटाना पड़ेगा। जैसे मैं हटाऊँगा तो मेरी लेफ्ट वाली जो स्लाइड है वो यहाँ से मूव होकर आ गई, ठीक है। इसी तरह मुझे राइट की करनी है, ये मैंने की राइट की, और ये आ गई RGT स्लाइड, और ये मैंने कर दी -200, तो ये कुछ इस तरह से आ गई। तो ये लोडिंग एनिमेशन तो हमारी क्रिएट होगी। अब जब ये क्रिएट हो गई है तो मुझे अब करना क्या है कि ये जो बटन लोडर है ना, बटन लोडर का जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया है वो मैं कर दूँगा ट्रांसपेरेंट, ताकि बैकग्राउंड कलर मुझे नज़र ना आए, ठीक है। अब ये जो अभी आपको एनिमेशन होती नज़र आई है, ये मैं तब करूँगा जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा। तो सिंपली फटाफट से मैं क्या करूँगा, अब मैं आऊँगा नीचे भाई, और यहाँ से मुझे किस बटन पे क्लिक करना है, मुझे क्लिक करना है हीरो बॉक्स ए डिज़ाइनर बटन। अब आप सोचोगे ये कौन सा बटन है भाई, ये वही बटन है जिस पे हम क्लिक करके दूसरे पेज पे जा रहे थे और हमने वो पेज बनाया भी। तो अब उस पेज पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि भैया इस बटन में जब मैं क्लिक करूँ देन वो एनिमेशन जो अभी हमने बनाई वो चल जाए। तो वो बटन है जी ये वाला, इसको मैं यहाँ से इसकी क्लास कंप्लीट कॉपी करूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना एक वेरिएबल बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेरिएबल का नाम डिज़ाइनर बटन विच इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और डबल कोट्स के अंदर उस क्लास को मैंने पेस्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे डिज़ाइनर बटन वेरिएबल के अंदर मेरा वो बटन आ गया है जिस पे क्लिक मैंने लगाना है, ठीक है। इतनी बार समझ आ गई, अब जब इतनी बार समझ आ गई तो फटाफट से मैं क्या करूँगा, जो अभी हमने बटन लिया है ना HTML से, उसका नाम मैं वेरिएबल का लिखूँगा और डॉट लिख के एड इवेंट लिस्टनर। अब ये पूछेगा भैया तुमने एड इवेंट लिस्टनर लगा दिया, कौन सा लगाना है, तो पैरेंथेसिस के अंदर मुझे डबल कोट्स के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा भैया जब इसके ऊपर क्लिक हो। अच्छा, वो कहेगा अच्छा क्लिक होते साथ क्या हो, मैं कहूँगा कोमा लगा के तुमने लिख देना है फंक्शन,
और फंक्शन के अंदर जो करना है वो मैं आप तुम लोग तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले मैं देख लूँगा कि मेरा फंक्शन चल भी रहा है कि नहीं, तो उसके लिए मैं एक अलर्ट पास कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्लिक दे। क्लिक भी लिखा और इससे क्या होगा, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा बटन पर तो वो क्लिक हो जाएगा। तो अब उस चीज़ को देखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इस चीज़ को ऑन कर दूँगा और जो हमने अभी लोडर डिस्प्ले उसका कहाँ पर किया ये रहा, और लोडर रैपर का जो डिस्प्ले हमने डिस्प्ले नन किया था उस चीज़ को मैं ऑन कर रहा हूँ ताकि मुझे चीज़ें होती हुई नज़र आ सकें। तो अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें आनी तो चाहिए थी लेकिन नहीं है, क्यों वो इस वजह क्योंकि ब्लॉक कर रहा है हमारे ये बटन लोडर को। तो इसको मैं अभी के लिए कर रहा हूँ डिस्प्ले नन, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, देन ये क्लिक, अब मैं ओके करूँगा तो वो दूसरे पेज पर चला जाएगा, ये देखो। ठीक है जी, इतनी बार समझ में आ गई। यानी कि इससे हमें पता क्या लगा, इससे हमें पता लगा कि भैया हमारा काम अभी बेहतरीन हो रहा है और हो गया है। अब क्या करेंगे, अब आते हैं मेन काम की तरफ कि इस एनिमेशन को ऑन बटन क्लिक किस तरह चलाया जाए। अब आपके माइंड में यही सवाल आ रहा होगा कि भैया ये जो तो आपने बनाया है ना, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो तो एनिमेशन तो चल जाएगी। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इस चीज़ को सारे को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर ला कर पेस्ट कर देता हूँ, तो अभी कुछ ये चीज़ है किया क्या है, वही जो अभी हमने एनिमेशन बनाई वहाँ पर उसको वहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि एनिमेशन चलनी चाहिए? अगर आपको लगता है तो आपका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एनिमेशन नहीं चली। वो क्यों नहीं चली, तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमने याद है कि बटन लोडर को दिया है डिस्प्ले नन। तो जब डिस्प्ले नन बटन लोडर को दिया है तो उसका जो डिस्प्ले नन है ना, तो हमें एनिमेशन होती हुई नज़र नहीं आएगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा जी बटन लोडर नेम, आप कुछ भी रख सकते हो कोई मसला नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर करके वो क्लास का नाम इधर गया, आई गेस कॉपी नहीं किया था, ये मैंने किया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट। इससे क्या हुआ, इससे वो डिव मुझे यहाँ पर मिल गई। अब जब मैं क्लिक करूँगा ना, क्लिक होते साथ सबसे पहले होगा क्या, ये जो बटन लोडर है ना, ये जो बटन लोडर है इसके मैं जाऊँगा स्टाइल के अंदर। अब ये क्या, ये वाली लाइन क्या कर रही है, ये लाइन कर रही है कि भैया ये पहले HTML में जाएगा, HTML में इस क्लास को ढूंढेगा, जब इसको ये क्लास मिल जाएगी तो ये उसके CSS में जाकर आगे मैं जो प्रॉपर्टी लिखूंगा जैसे कि डिस्प्ले, तो अब ये क्या करेगा, ये बटन लोडर को ढूंढ के उसके CSS के अंदर जाके डिस्प्ले प्रॉपर्टी को देखेगा कि अगर डिस्प्ले प्रॉपर्टी यानी कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी है तो सही है, अगर नहीं है तो वो यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू दे रहा हूँ फ्लैक्स, सिंपल एज दैट। अगर यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी है तो वो उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, अगर डिस्प्ले प्रॉपर्टी नहीं है तो उसकी वैल्यू को ऐड कर देगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ ना भी लिखूँगा ना, तो ऑन बटन क्लिक ये वैल्यू यानी कि डिस्प्ले फ्लैग ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी जावास्क्रिप्ट की मदद से। अभी बाय डिफॉल्ट मुझे डिस्प्ले नन रखना है और जब क्लिक होगा डिस्प्ले फ्लैग हो जाएगी यानी कि शो हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि एनिमेशन चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा, देखते हैं। अभी आपको भी लग रहा है, मुझे तो पता है कि नहीं चलेगा, लेकिन अभी आपका डाउट क्लियर करने के लिए जब मैं इस पर करूँगा क्लिक तो एनिमेशन हमें चलता नहीं नज़र आएगा। आया नहीं आया, तो अब इस चीज़ को ये तो काफ़ी मसला आ गया कि भैया इस चीज़ को किस तरह किया जाए। तो सिंपल है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं कर रहा हूँ ना भैया क्लिक, तो ये जो बटन है इस पर मैंने ऑलरेडी पाथ दिया हुआ है कि भाई इसने डिज़ाइनर डॉट एच टी एम एल के अंदर जाना है, तो इसने रुकना कोई नहीं है, इसने डायरेक्टली ऑन क्लिक विद इन वन क्लिक इसने फटाफट से मूव हो जाना दूसरे पेज पर। जैसे मैं अब क्लिक करूँगा फटाफट इसने मूव हो गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भैया जो अभी हमने लोडिंग एनिमेशन बनाई वो पहले चले और जब वो चल जाए देन ये चीज़ आगे मूव हो जाए। अब वो चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पर आऊँगा डिज़ाइनर बटन के क्लिक पगल वाले फंक्शन में, सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर मैं एक फंक्शन का यूज़ करूँगा जो कि है जी सेट टाइम आउट।
अब ये सेट टाइम आउट क्या बुला है भाई, ये सिंपली भाई कोई बुला नहीं है, ये सिंपली एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक टाइम के बाद चलता है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हो कि ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कुछ टाइम के बाद चलता है। हाँ, ऐसा ही कह रहा हूँ। तो इसको किस तरह लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या चीज़ है, ये एक फंक्शन है खुद में, और खुद के अंदर एक और फंक्शन को एक्सेप्ट करता है। अब बाद लोग यानी कि कई दोस्त या आप लोग कहते होगे इसको कॉल बैक फंक्शन, कोई लोग कहता होगा अनोनिमस फंक्शन, और कोई कहता होगा कोई फंक्शन कोई और फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है, तो कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक फंक्शन एरो फंक्शन बनाना होगा। अब ये क्या करेगा, अब ये आप सोच रहे होगे कि भैया ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि एनोनिमस फंक्शन क्यों हम यूज़ करते हैं। एनोनिमस फंक्शन तभी तो हम यूज़ करते हैं जब हमने एक ही बार चलाना हो, यानी कि उसको बार बार रिपीट ना करना हो। अगर मुझे बार बार रिपीट करना है तो मैं इस तरह का फंक्शन और फिर आगे नेम और उसके नेम को बार बार यूज़ कर सकता हूँ। बट इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है। इस केस के अंदर इसने तभी चलना है जब इसकी रिक्वायरमेंट होनी है। इतनी बात समझ आ गई। तो सेट टाइम आउट फंक्शन क्या है, सेट टाइम आउट फंक्शन एक टाइम के बाद वो चीज़ कुछ ना कुछ ये चीज़ चलाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक कॉल बैक फंक्शन लिया, और कॉल बैक फंक्शन कौन सा था, अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं एक कोमा लगा के यहाँ पर टाइम दे देता हूँ, जैसे कि कितना लूँ कितना लूँ कितना 3000 दे देता हूँ। अब आप सोचोगे भाई इतना टाइम, तो एक्चुअली में ये 3000 बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ये 3000 जो है ये है ये मिली सेकेंड्स, यानी कि कुल मिला के कह लो कि 3 सेकेंड का ये टाइम है। अच्छा, तो ये आपने कहा कि 3000 क्या है, ये 3 सेकेंड है। हाँ, ऐसे ही कह रहा हूँ। ओके, अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं लिखूँगा जी विंडो। विंडो समझते हो, विंडो क्या है, हमारा एक ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है। अब विंडो के अंदर जब हम एक किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो, कैसे करते हैं, डॉट लगा के। तो विंडो डॉट, आगे विंडो के ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी का नाम है जी लोकेशन। क्या भाई, लोकेशन ये वाली। अब लोकेशन इतने ही, ये जो दो वर्ड्स मैंने लिखे हैं इसका क्या मतलब है भाई। देखो, मैं अब चाहता हूँ कि ये जो मैंने बटन बनाया ना, अब आप यहाँ पे गौर करो कि यहाँ पे मैंने href के अंदर अगर कोई मैं पाथ देता हूँ, तो वो एंकर टैग क्या करता है, उस पाथ के अकॉर्डिंगली मेरे मुझे वहाँ पे लोकेट कर देता है। ठीक है, तो इस केस के अंदर यहाँ पे भी यही हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यानी कि 3 सेकेंड बाद मुझे मेरी विंडो लोकेट होती हुई मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी वो मैं अब आपको, यानी कि हम अब इसको पाथ देंगे तो वहाँ पे हमें ये लोकेट होती हुई मिलेगी। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो इस पाथ फोर ही जा रहा है ना। तो मैं यहाँ से इस पाथ को कर रहा हूँ कट, और यहाँ पे हैश लगा दें, हैश क्यों लगाए, ताकि ये लिंक काम ना करें। अच्छा, अब ये लिंक काम नहीं करेगा, तो अब होगा क्या है, यहाँ पर मैं लिखूँगा कि भैया विंडो डॉट लोकेशन। विंडो डॉट लोकेशन क्या करेगी, ये मेरी विंडो को लोकेट कर देगी। कहाँ पे कर देगी, यहाँ पे मैं पाथ दे दूंगा ये वाला। अब एंकर टैग के अंदर अगर मैं href के अंदर कोई पाथ ना दूँ, मिसाल के तौर पे एक मैंने एंकर टैग बनाया, उसके अंदर href के अंदर मैंने पाथ दिया ही नहीं, और मैं चाहता हूँ कि भैया ये जो मैंने एंकर टैग बनाया है ये किसी पर्टिकुलर पेज पे जाए, तो विदाउट href वो चीज़ या वो बटन हमें उस पेज पे लेके जा सकता है, सवाल है। ऑफ कोर्स नहीं लेके जा सकता। तो यहाँ पर भी ये विंडो डॉट लोकेशन मुझे लेके नहीं जाएगी, मुझे बस ये बताएगी कि भैया मैं तुम्हें लोकेट कर रही हूँ। अब उसको ये नहीं पता कि कहाँ कर रही हूँ, तो मैं उसको बताऊँगा डॉट href। href की एक प्रॉपर्टी है, तो href क्या करेगा, ये उसको पाथ मिल गया कि भैया हाँ इस पाथ पे यहाँ पे तुमने विंडो को लोकेट कर लेना। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले जब मैं क्लिक करूँगा तो बटन तो काम करने वाला है नहीं, जब बटन काम करेगा नहीं तो ये जो बटन लोडर है जो अभी आपके सामने हमने डिस्प्ले का नाम किया है, ऑन क्लिक ये सबसे पहला काम होगा कि भैया इसका डिस्प्ले करेगा फ्लैक्स। उसके बाद इसके अंदर जो LFT स्लाइड है उसको 200 पे वापस ले आएगा,
और राइट को भी, यानी कि अपनी अपनी डिफॉल्ट पोजीशन में जहाँ हमें चाहिए वहाँ पे ये लेकर आ जाएगा। इतना सा कोड जब ये लेकर आ जाएगा तो देन 3 सेकेंड बाद, एग्जैक्ट 3 सेकेंड बाद विंडो को लोकेट कर लेगा ऑन दिस पाथ। सिर्फ इतनी सी यहाँ पर हमने गेम खेली, और जैसे अब यहाँ पे गेम हमने खेली, देखते हैं हमारा काम करता है कि नहीं। अब जब मैं क्लिक करूँगा, सबसे पहले वो जो बटन लोडर है वो फ्लेक्स होगा, फिर लेफ्ट स्लाइड अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे, राइट अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे, और फिर आफ्टर 3 सेकेंड बाद मेरी विंडो लोकेट होकर मेरी डिज़ाइनर डॉट एचटीएमएल में जाएगी। ये देख लो, क्लिक किया और यहाँ पर आ देखा। तो ये थी इस वीडियो का मेन काम, किस तरह हमने ये चीज़ स्टेव कर लेनी है। कि क्लिक किया, एनिमेशन चली, और जब एनिमेशन चली और यहाँ पर वो चीज़ लोकेट कर गई, तो ये किसकी मदद से हुआ? वो हुआ जी विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ। ओके, वेरी नाइस। तो अब ये भैया हमारा एक फंक्शन, कंप्लीट फंक्शन बन गया, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से कट करके एक फंक्शन के अंदर डाल दूँ, और फंक्शन का मैं नाम रख देता हूँ जी बटन क्लिक एनिमेशन, ठीक है जी। और एनिमेशन के यहाँ पर मुझे वो कोड डाल देना है जो मैंने अभी डाला। जब ये हो गया देन मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को कॉल भी करना होगा ना, देन ये मेरा काम करेगा। जब ये कॉल हो जाए तो देन ये मेरा फंक्शन काम करने लग जाएगा। और मैं यहाँ पर कुछ ये आ गई, और वे ऑन क्लिक पहले ये आएगा, और देन मेरा पेज लोकेट हो गया यहाँ पर आ जाएगा। अब जब यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर एक और एनिमेशन है, ये देखो एक और एनिमेशन है, और वो एनिमेशन है ये वाली। अभी देखा आपने जो लोडर नीचे से ऊपर की तरफ गया, तो ये बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जाऊँगा अब अपने कहाँ पर डिज़ाइनर एचटीएमएल के अंदर, उसकी सीएसएस को भी यहाँ पे खोल लेता हूँ, और उसकी जेएस को भी यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो जैसे खोलेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक बनाना पड़ेगा जी भाइयों, सबसे ऊपर एक कमेंट, कमेंट का नाम होगा जी लोडर, और डिज़ाइनर के अंदर मुझे, यानी कि उसके सीएसएस के अंदर मुझे एक और कमेंट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा जी लोडर। सेटअप हो गया। अब यहाँ पर मुझे एक डिव बनानी पड़ेगी जिसका, जिसकी क्लास का नाम होगा लोडर, और उसकी क्लास को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आकर मैंने उसको स्टाइल कर दिया। क्या स्टाइल किया, तो कहा भैया विड्थ 100 ले लो, हाइट ले लो जो है वो 100 पीएच, बैकग्राउंड तुम ले लो ये वाला, पोजीशन तुम ले लो फिक्स, जे इंडेक्स तुम ले लो 999। और इतना सा करने से मेरी वो डिफ उसके ऊपर आ जाएगी, और वो आ चुकी है। ओके, अब जब मैं इस पे पेज पे आऊँ देन ये क्या हो, ये जो लोडर है ये ऊपर को चला जाए। किस तरह करूँगा, फटाफट से विद द हेल्प ऑफ जी सैप, जी सैप डॉट टू, और जी सैप डॉट टू। अब ये मैं क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता लग चुका है कि ये चीज़ किस तरह काम कर रही है। ओके, तो कोमा लगा के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इसको कहा वाई से तुम भैया -100% मूव हो जाओ, और जो ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन वो तुमने 1 सेकेंड के अंदर अंदर तुमने यहाँ से निकल जाना। ओके, अच्छा, तो जब ये चीज़ आ जाएगी, मैं दोबारा से इस पेज पर आता हूँ, देखते हैं क्या काम हो। ये आया, और ऑन क्लिक ये जब यहाँ पर आएगा तो ये चीज़ इस तरह आ जाएगी। ओके, सही लग रहा। अब दूसरी चीज़ करेंगे कि इस लोगो को भी वही चीज़ अफेक्ट देंगे जो अभी हमने पीछे इंडेक्स में काम किया। तो करेंगे क्या, यहाँ पर आएंगे अगेन, मुझे इस नैब लोगो को सिलेक्ट करना, तो सीएसएस के अंदर आएंगे, और इस नैब लोगो को फटाफट से यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ इसका भी, लोडर, ठीक है, और लोडर करके ये करके इस चीज़ को मैंने किया यहाँ पर रन। अच्छा, ये सेट हो गया। अब मैं एक वेरिएबल लूँगा, और वेरिएबल का नाम मैं रख रहा हूँ लोगो, विच इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट
डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड क्वेरी सेलेक्टर करके मैंने आई गेस क्लास कॉपी की थी और यहाँ एक की कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट। अब इससे मेरा बटन मेरे पास यानी कि लोगो मेरे पास आ गया। अब मुझे करना पड़ेगा लोगो डॉट क्वेरी सेलेक्ट और लोगो डॉट एड इवेंट लिस्नर और कौन सा लगाना है जी क्लिक लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक सिंपल एक फंक्शन चला दो और फंक्शन कौन सा चलाना है, फंक्शन में मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। फंक्शन में सबसे पहले मुझे एक और लोड यानी कि लोडर चाहिए सेम पैटर्न का, तो मैं जाऊंगा इंडेक्स पे, इस बटन लोडर को कॉपी किया, डिज़ाइनर पे आए और डिज़ाइनर बनाने के बाद यहाँ पर किया पेस्ट। और जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो इस बटन लोडर की मुझे CSS भी तो चाहिए, तो मैं यहाँ पर आऊँगा CSS में और इस बटन लोडर के जो CSS है मेरे पास उसको किया मैंने कॉपी और डिज़ाइनर डॉट CSS में सबसे ऊपर जाकर मैंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पेस्ट करना है और पेस्ट करते साथ मेरे वो आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, स्क्रिप्ट डॉट js में जाना है और बटन लोडर की जो js फाइल है ना उस चीज़ को मुझे करते देना है कॉपी और डिज़ाइनर वाले पेज पे आकर मुझे यहाँ पर कर देना पेस्ट। इतना सब करते साथ होगा क्या, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ना आई गेस कोई नहीं मसला बाद में करते हैं अभी। अच्छा तो यहाँ पर करूँगा कि मैं यहाँ पर जो मैं अभी ये बटन सेलेक्ट कर रहा हूँ उसकी जगह मुझे रिप्लेस करना है अभी जो अभी हमने लोगो बनाया, तो ये बना लोगो और ये बन गया अब हमारा बटन लोगो लोडर और विद इन वन क्लिक ये फ्लैक्स हो जाएगा। बकाया सारी चीज़ें सेम है, बस पाथ जो है अभी हमने कौन सा पाथ देना है ये वाला पाथ दे देना है, सिंपल एज डैट, और कुछ भी नहीं करना क्योंकि पहले हम कर चुके और दोबारा अब हमें नहीं करना। तो यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है, एक लोगो है जी उस पर इवेंट लिस्नर लगा है। अब यहाँ पर अभी हमें ये चीज़ को भी रिप्लेस करना होगा और अब सही है, यानी कि अब यहाँ पर हो गया क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है बटन क्लिक एनिमेशन का और ये फंक्शन क्या करेगा, ये एक यानी कि वही जो हमारी इमेज है ये वाली ऑप्स यार तुम ऑनर जो ये वाली इसको सिलेक्ट कर लेगा। जब ये सिलेक्ट करेगा तो मैंने इसके ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगा दी क्लिक का, क्लिक होते साथ बकाया वही गेम है जी हमारी कि किस तरह ये चीज़ें अभी आपको मैंने एक्सप्लेन की कि आफ्टर 3 सेकंड बाद ये मुझे यहाँ पर लोकेट कर लेगी। तो देखते हैं काम होता है कि नहीं, हाँ काम तो हो रहा है, वेरी नाइस। तो ये थी हमारी वही है इस वीडियो के अंदर छोटी सी लोडिंग एनिमेशन का काम, ताकि अब हम अगली वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे किस तरह से हम इस चीज़ को रिस्पॉन्सिव करना सीखते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेज पर हम इसको सेट करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत से सवाल आते होंगे आपके माइंड के अंदर। और अगर कोई डाउट है ना रिस्पॉन्सिव के लिए तो आपको क्लियर कर दूँ कि रिस्पॉन्सिव के लिए मैं यूज़ करने लगा हूँ मीडिया क्वेरीज, और ये क्या चीज़ है ये बात करेंगे जब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है जी। और ये चीज़ थी भैया आज के इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से हमने ये चीज़ें बनाना सीखी और काफ़ी मज़ा आया होगा आपको भी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। और एक और बात, अगली वीडियो की जो है वो होगी लास्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट की, चैनल की नहीं इस प्लेलिस्ट की, क्योंकि इस वेबसाइट का हो गया है भैया हमारा काम कंप्लीट, ठीक है जी। और ये आफ्टर रिस्पॉन्सिव ये वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी हमारी और ये हमारी फाइनल पोर्टफोलियो वेबसाइट हो सकती है, और इन फ्यूचर हम इसको और अपडेट करके और आप लोग अपडेट करके तो मज़ीद जो है चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। और एक और बार मैं आपको बता दूँ, ये जो स्क्रॉल बार है ना ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो स्क्रॉल बार अच्छा नहीं लग रहा तो करूँगा क्या, मैं यहाँ पर सिंपल एज डैट इसको डिलीट कर दूँ, यस। अच्छा तो यही मैं कह रहा हूँ कंट्रोल KW, इससे क्या होगा तमाम फाइल जो ऑन हुई होगी वो क्लोज हो जाएगी। अच्छा तो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले आऊँगा स्टाइल डॉट CSS के अंदर, स्टाइल डॉट CSS यानी कि इंडेक्स में तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर
किधर गई सी एस एस डिज़ाइनर वाली जो फाइल है ना उसके अंदर मुझे स्क्रोल जो है ना वो चाहिए। अच्छा वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उसको हिडन कर दूँ। कैसे करोगे? यहाँ पर उसका जो स्क्रॉल बिहेवियर है, अब सबसे पहले जो स्क्रॉल बार विड्थ है वो मुझे बस सिंपल एज डैट 0 पिक्सल कर देनी है। हुई क्या? नहीं हुई, होनी तो चाहिए। स्क्रॉल बार विड्थ वन पिक्सल, आई गेस ऐसे नहीं होगा, ये होगा इस तरह वेब किट, आगे स्क्रॉल बार और स्क्रॉल बार इस तरह करके मैं विड्थ 0% कर रहा हूँ, तो मेरी स्क्रॉल या इस तरह की ना करके मैं करूँगा डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन करेंगे तो मेरी स्क्रॉल बार फिनिश यानी कि ख़त्म हो जाएगी और काफ़ी अच्छा फील आएगा। अब भाई यहाँ पर मुझे एक चीज़ की कमी हो रही है, वो चीज़ है जी स्मूथ स्क्रॉलिंग इसके अंदर नहीं है, तो उसको ऐड करने के लिए मुझे यूज़ करनी पड़ेगी एक लाइब्रेरी जिसका नाम है जी लोकोमोटिव JS। कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने लिखना है गूगल पे लोकोमोटिव वर्जन 5, इसकी जाना है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और जैसे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाओगे तो कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा गेटिंग स्टार्टेड और फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा जी क्विक स्टार्ट के अंदर, ठीक है जी। और नीचे आओगे, नीचे आने के बाद ये जो चीज़ है ना सिंपल कुछ भी नहीं करना है, ये चीज़ को कॉपी करना है। सब कौन किसको कॉपी करना भाई? इस चीज़ को, ये इस ऊपर इस पूरी ये जो लिखा हुआ ना जावास्क्रिप्ट, एक है बंडलर और एक विदाउट बंडलर, विदाउट वाले को कंप्लीट कॉपी करके अपने आना है अपनी कौन सी वाली फाइल में, सबसे पहले डिज़ाइनर वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पर आके वो जो कॉपी किया ना सामान वो सारा यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब जब पेस्ट किया ना आपने तो ये जो चीज़ है ना पहला लिंक ये है जी CDN लिंक, ये मुझे कहाँ पे पेस्ट करना है ये आपको भी पता है कि तमाम CDN लिंक हमने अपने HTML के अंदर पेस्ट करने हैं, तो यहाँ पर मैं ला कर वो CDN पेस्ट किया। अब जैसे पेस्ट हो चुका तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस चीज़ को भी और इस चीज़ को भी ख़त्म कर देना, और जैसे करूँगा तो मेरा स्मूथ स्क्रॉलिंग इनेबल इस पर्टिकुलर पेज के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं करूँगा तो आपको भी यानी कि आपको भी वो एक्सपीरियंस नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे वो चीज़ पता लग रही है कि स्मूथ स्क्रॉल इसमें लग चुका है। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो यार कमेंट करो, और कमेंट के अंदर अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। और इससे आपको मैंने पहले भी बताया इससे आपका भी जो है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व भी हो जाएगी, और दूसरे लोगों को अगर वो प्रॉब्लम आती है तो उनकी भी फटाफट से सॉल्व हो जाएगी। तो मिलते हैं जी भैया अगले पार्ट के अंदर जो क्या है जी लास्ट पार्ट, और उस पार्ट के अंदर हम सीखेंगे किस तरह हम इस चीज़ को रिस्पॉन्सिव करें ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, जैसे कि मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, और भी देखेंगे कल की वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी जा सकते हैं, चलता हूँ और